देवभूमि में तो गोलजू देवता इंसाफ करते ही करते हैं। आज की जो केरी कहानी है आश्चर्यजनक है कि गोलजू देवता ने कहां इंसाफ करा जाके, बंगाल में जाके गोलजू देवता ने इंसाफ करा। एक लड़की की पुकार वहां से सुनी गोलजू देवता ने। उत्तराखंड देवभूमि, गढ़वाल और कुमाऊं में जो भी सच्ची घटनाएं होती हैं मैं वो आपके समक्ष रखता हूं और उसमें अपने मन से कुछ भी नहीं जोड़ता हूं। जो मुझे जिस प्रकार से घटना देते हैं मैं उसी प्रकार से आप लोगों के समक्ष रखता हूं। दोस्तों हमेशा की तरह कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का एंड। उत्तराखंड घूम लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूम लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। ये जो मेरी आज की कहानी है दरअसल ये लव मैटर का और आज के कल्चर जो हमारा चल रहा है वो कल्चर के ऊपर ये कहानी है। किस तरीके से आज के टाइम पर भी गोलजू को जब अंत में पुकार मारते हैं तो गोल देवता हमारे सच्चाई के साथ हर हमेशा जाते हैं कि जो राजा होता है वो राजा ही रहता है। और जब बंगाल में जाके ये वहाँ पहुँचे तो इनने वहाँ भी अपना राज धर्म नहीं छोड़ा और राजाओं की तरह वहाँ भी इनने इंसाफ। एक लड़की थी जिसका नाम हम अंकित कर देते हैं, उनका नाम रेखा रख देते हैं, और एक लड़का है जो हमारे उत्तराखंड से है उनका नाम हम मनोज रख देते हैं, और जो रेखा के हस्बैंड हैं इनका नाम हम संतोष रख देते हैं। अब ये जो कहानी रहेगी इन लोगों के इर्द गिर्द ही घूमेगी। रेखा दिल्ली में जॉब करने आई, जॉब करने लगी दिल्ली में, तो दिल्ली शहर में हर जगह से लोग आए रहते हैं कार्य करने के लिए और अलग अलग फैक्ट्री रहती है। और क्योंकि दिल्ली क्या हुई हमारी राजधानी हुई तो राजधानी में सभी जगहों के लोग आते हैं। रेखा भी अपनी घर गृहस्थी और कुछ बनने के इरादे से दिल्ली आई और उनने कहा मैं कुछ ना कुछ बनूंगी लाइफ में, तो दिल्ली में उसने अपना स्वाभिमान के तहत काम करना स्टार्ट कर दिया। अब जब काम करना स्टार्ट करा तो इनकी नज़र किन से मिल जाती है, वहाँ संतोष से मिल जाती है। और संतोष का जो इनसे दूर था, दरअसल कंपनी में काम करते थे संतोष, तो इनके बीच में वार्तालाप हुई। वार्तालाप होने के बाद धीरे धीरे ये जब जवानी का दौर ऐसा चलता है उसमें आदमी फिसलता भी है और यहीं से बनता भी है, तो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो क्या करे, बने या फिसल जाए। तो यहाँ पर ठीक क्या हुआ, रेखा भी और संतोष एक दूसरे को चाहने लगे काफी। अब कल्चर को देखते हुए रेखा ने अपने घर में बात करी कि मम्मी मैं मेरे को एक लड़का पसंद आया है जिसका नाम संतोष है, काफी अच्छा पैसा कमाता है, हम दोनों खुश रहेंगे, राज्य खुश रहेंगे, बस आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए। उनके पिताजी ने मना करा, उन्होंने कहा बेटी अगर आपको शादी करनी है मैं इससे अच्छा लड़का अपने जात और बिरादरी में देख लूँगा, आप यहीं शादी करिए। लेकिन लड़की ने नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं मुझे अगर शादी करनी है तो संतोष से करनी है, आप लोग करना चाहो तो करो मेरी शादी और नहीं करोगे तो मैं भाग के विवाह कर लूँगा। पिताजी लोगों के पास कोई ऑप्शन रहा नहीं रहा, फिर उन्होंने कहा अगर जब लड़की के मन ही जब लड़का आ गया है अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो पिताजी लोगों ने अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से संतोष के साथ कर दिया। और विवाह के पश्चात जो रेखा थी वो भी अपने पति के साथ काफ़ी खुशी रहने लगी। लेकिन अक्सर जो प्यार होता है, प्यार कितने दिन का रहता है, 4 दिन का 5 दिन का, या अगर सही से नहीं निभाओगे तो 5 दिन भी नहीं चलता कोई गाड़ी। मेरे वादे कोई रादे ओ मितवादे। तो उसी प्रकार संतोष ने अपने हाव भाव और चेहरे के इन्फेक्शन सारे चेंज होने लगे। बोला जाता है इस हिसाब से गिरगिटी रंग नहीं बदलता था जिस हिसाब से संतोष रंग बदल लेता था। जिनने मुझे कहानी दी है उनने मुझसे इस टाइप से बोला
तो जो संतोष था, संतोष ने आए दिन जहां पर वो संतोष कार्य कर रहा था वहां पर से उसने कार्य में जाना भी कम कर दिया था, 4 दिन जाता था, 5 दिन नहीं जाता था, और दारू पीना प्रारंभ कर दिया था। और रेखा को इस चीज का काफी दुख हो गया था कि यार मैंने जिस व्यक्ति से शादी करी वो एक अच्छा और ईमानदार और मेहनती लड़का था, आज मेरी जिस व्यक्ति के साथ मैं जाती हूँ तो वो व्यक्ति एक शराबी है और मक्कार है और एक नंबर का कामचोर है। तो दरअसल जो हमारी महिलाएं और जो पुरुष, जो भी महिलाएं जो हमारी स्त्रियां माता बहना होती हैं, वो अगर दूसरे व्यक्ति को काम पर जाते हुए देखते हैं और जाते हुए देखते हैं तो सोचते कि हमारा पति भी जाए और हमारा पति भी ऐसी मेहनत करे और काम करे। लेकिन संतोष में ये गुण चले गए थे और वो आए दिन अपने जो दिन व्यतीत कर रहा था, कायमे कर रहा था दारू पीने में। कुछ समय के पश्चात संतोष ने क्या करा, अपनी पत्नी को मारना भी स्टार्ट कर दिया। कभी वो अपनी पत्नी को इतनी जोर से मारने लग जाए, या कभी उसे खाना ना दे, और या कभी वो खाना बनाए तो खाना फेंक दे। इस टाइप से उसने अपना बर्ताव चालू कर दिया घर पे। संतोष को देखा देखी उसकी पत्नी जो थी वो काफी दुखी और काफी उदास रहती थी। तो जिस फैक्ट्री में ये काम करती थी तो वहां पर हमारे उत्तराखंड से क्या था, एक मनोज भी काम करा करते थे। अब ये मनोज वही हैं जिनने मुझे एक कहानी पहले भी दी है जिसमें मैंने बोला है कि चमन खान गुल्लू देवता जो इनके घर के, ये है चमन खान गुल्लू देवता की भी। अगर जिस किसी भाई ने वो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आप वो कहानी भी देख सकते हैं। तो मनोज इनके, जब आदमी को जब टेंशन होती है, किसी भी औरत या किसी भी महिला या किसी पुरुष को टेंशन होती है तो उसका मन कार्य में स्वाभाविक रूप से नहीं लगता है। फिर उसके दिमाग में अगर वो चाहते हुए भी इधर उधर की टेंशन और काम में मन नहीं लगना, ये सारी चीजों में ध्यान रहता था। अब वो काम करने आए कंपनी में और ध्यान कहाँ, घर के टेंशनों में रहता था। कितनी देर बाद ऐसे चलता रहा कंपनी में, कितने दिनों तक ऐसे चलता। तो मनोज ने इनसे पूछा कि क्या बात, आप भाभी जी आपका ध्यान काम पर नहीं है और आप कोई समस्या कोई दिक्कत है? तो रेखा ने बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और जो रेखा का पति था उसने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया था, तो ये दूसरी जगह किराए पर रहने लग गई। और रेखा ने कहा कि मुझे डिवोर्स दे दो, तो इनने डिवोर्स देने से ही मना कर दिया संतोष ने। इन्हें कहा मैं डिवोर्स नहीं दूंगा और तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, मैं देखता हूं तू कैसे करेगी। क्योंकि रेखा ने अपनी कमाई का हिस्सा सेविंग करना स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने कहा अगर तुम उसको देते रहोगी तो तुम सारा पैसा दारू पीने में खर्च कर दोगे। तो रेखा परेशान हो जाती है और वो कंपनी में भी उसके चेहरे से इन्फेक्शन और टेंशन चेहरे पे दिखती रहती थी। तो मनोज ने जब उसकी ये, जब उसने मनोज को अपनी आपबीति बताई और मनोज ने जब उनका पूरा दुख सुना तो मनोज के आंख से भी अश्रू बह गए। उन्होंने कहा यार कोई मतलब इस तरीके से आपके साथ हो रहा है, आप मैं क्या बताऊं। तो उन्होंने बोला अब क्या करा जाए, ये तो बड़ी टेंशन की बात है, मैं पुलिस में भी कितनी जगह रिपोर्ट कर दी, कुछ करते ही नहीं है और हर जगह से कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मैं बड़ा परेशान हो गई हूँ और कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो मनोज ने कहा यार एक काम करो भाभी जी, आप हमारे उत्तराखंड चले जाओ और उत्तराखंड में अल्मोड़ा में जाओ, अल्मोड़ा में एक गुरु देवता का मंदिर है वहां पर और वो न्याय के लिए प्रसिद्ध है। आप इन्हें जानते हैं? नहीं, कौन है ये? अरे आप इन्हें नहीं पहचानते? जो रेखा थी, रेखा ने पहली बार नाम सुना, उसके चेहरे के इन्फेक्शन बदल गए। उन्होंने कहा ये किस देवता का नाम ले रहे हो तुम, मतलब देवता तो इतने होते हैं हिंदुओं में, मैंने आज तक ये देवता का नाम नहीं सुना, कृपया आप मुझे बताओगे डिटेल से? उन्होंने कहा ये न्याय के देवता होते हैं और इनने हमारे उत्तराखंड में ये बहन बेटियों की और बहुओं की अधिकतर सुनते हैं, आप एक बार इनको पास चले जाओ। उन्होंने कहा, रेखा ने कहा
यार ऐसे भगवानों के पास तो मैं कितनी जगह चली गई, मैंने महादेव के वहां भी गई और मैंने हर जगह मंदिरों में अर्जी लगा दी और कई कई जगह मैं बालाजी में भी चली गई, कहीं से मेरी घात नहीं सुनी। तो क्या वहां जाके मेरी घात सुनने का कोई इतना बड़ा देवता आ गया क्या तुम्हारे देवभूमि में कि वो हमारी सुनने लग जाएगा? अब रेखा ने भी जब हम किसी को कुछ स्वाभाविक रूप से नहीं जानते हैं तो हम उससे कैजुअली लेते हैं, कोई इतना कठिन नहीं लेते हम उस चीज में। तो रेखा ने क्या करा, रेखा की एक फ्रेंड थी जिसका नाम अंजू था, वो रानीखेत की रहने वाली थी। तो उसने रात्रि में अंजू को फोन करा और अंजू से कहा, यार आज मनोज एक देवता का नाम बता रहा था, पहले तो उसे नाम याद नहीं आया। उन्होंने कहा क्या बोल रहे थे वो, चितई गोलू गोलू ऐसी कुछ बोल रहे थे। तो रेखा ने कहा चितई गोलू गोलू क्या? उन्होंने कहा गोलू देवता नाम है उनका और वो हमारे उत्तराखंड के न्याय के देवता हैं और न्याय करते हैं, हर जगह न्याय करते हैं। उन्होंने कहा सही बात है क्या? उन्होंने कहा हाँ हाँ सही बात है और 101% सही बोला है उन्होंने, कोई गलत नहीं बोला है उन्होंने। अच्छा तो फिर इनने मनोज से कहा, यार मुझे आप ले जाओ वहाँ पर, उत्तराखंड में जाना चाहती हूँ मंदिर में और मैं अपनी ये पुकार लगा के आऊँगी। ठीक है मैं छुट्टी करते हैं। दरअसल संडे की इनकी छुट्टी रहती, शनिवार की रात की ट्रेन पकड़ी दिल्ली से और काठगोदाम पहुंचे और सुबह के रात के 3 बजे करीबन मतलब इन लोगों ने बस पकड़ी। बस पकड़ने के बाद ये कहाँ पहुंच गए, सीधा अल्मोड़ा पहुंच गए। अल्मोड़ा जब पहुंचे तो अल्मोड़ा से ये मंदिर भी घूमे, वहाँ पर काफ़ी मंदिर घूमे। तो सबसे पहले ये कसार देवी मंदिर गए। दरअसल कसार देवी मंदिर के बारे में मैंने कई बार अपने चैनल पर बता दिया, ये हमारे पूरे भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपका ध्यान ऑटोमेटिक लगने लग जाता है, आंखें बंद अपना हो जाएंगी आपकी। और सारे वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्यमय मंदिर भी है, ये पूरे पृथ्वी का गुरुत्व आकर्षण का केंद्र भी है और जहां पर माता की मूर्ति है तो पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु वहीं पर है बोला जाता है। उसके बाद ये जब कसार देवी में गए तो कसार देवी मंदिर की सुंदरता देख के और वहां की सारे पहाड़ का वातावरण देख के काफ़ी खुश हुए। और खुश होने के बाद इन्होंने क्या करा, आगे मंदिर गगनाथ बाबा जी के मंदिर में भी गए, गगनाथ जी के मंदिर में हाथ हाथ जोड़े और फिर ये डाना गोलू जी का मंदिर भी पड़ता रास्ते में, इन्होंने वहाँ पर भी हाथ हाथ जोड़े। उसके पश्चात ये कहाँ आ गए, अपना चितई गोलू देवता के मंदिर में पहुँच गए 3 बजे करीबन। जब ये चितई गोलू देवता के मंदिर में जब इन्होंने अपना पाँव रखा और इनकी पांव रखने के बाद इनके मतलब ये मंदिर को देखते रह गए, निहारते रह गए एक टक, मतलब आदमी से बड़ी बड़ी घंटियां और ये देख के हैरान रह गए कि वहां पर एक से बढ़कर एक लेटर लगे हुए हैं और प्रत्येक लेटर कोई कहां से, कोई विदेशों से लेटर आए हुए हैं वहां पर। उन्होंने कहा तुम तो कह रहे थे खाली देवभूमि की फैसला करते हैं, ये तो विदेशों तक का न्याय करते हैं, ये विदेशों में इन्हें जजों का न्याय कर रखा है, ये ऐसे देवता मैंने आज तक नहीं देखे कहीं, मतलब चिट्ठी सुनते हैं और लोगों का फैसला करते हैं। ये मतलब मेरे बयान नहीं है, आप सोचो कि हेम के अपने बयान नहीं, ये उनके बयान है रेखा के। तो उन्होंने कहा ऐसे देवता मैंने आज तक नहीं देखे, मतलब जो ऐसे मतलब फैसला कर रहे हैं। मनोज ने कहा ये भैया उत्तराखंड के प्रसिद्ध देवता हैं और न्यायकारी हैं और जशकारी हैं, हमारे गोलजू हैं। तो गोलजू को देख के एकटक निहारा, उन्हें निहारने के बाद गोलजू को सादर प्रणाम करा और जो उनकी मूर्ति देखी वहाँ पर, सफेद घोड़ा और लाल दुपट्टा, सर पर स्वेद पगड़ी और हाथ में लगाम और कांट का घोड़ा तलवार जब देखी गोलजू की, तो ये देख के कहनी तो बड़े ही मन मोहने वाले राजा है और मतलब इनकी मूर्ति ऐसी है कि इनको निहारने को ही मन कर रहा है। तो नगा यही हमारे गोलजू हैं। तो इनने मंदिर में मतलब इनका मन आने को नहीं खरा वहाँ से चितई से, इनके 2-3 घंटे वहीं मंदिर में भी थे। अब जब मंदिर से बाहर जब निकले तो शाम के 6 बज गए थे। तो आते वक्त क्या होता है, वो दरअसल अल्मोड़ा शहर से 10-15 किलोमीटर ऊपर है, तो आते वक्त बसें बंद हो जाती है जल्दी पहाड़ों में। तो इन्होंने क्या डिसाइड करा, इन लोगों ने मन बनाया कि यार हम यहाँ से पैदल की यात्रा प्रारंभ कर देते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, हम पैदल पैदल चल देंगे। रेखा ने और मनोज ने पैदल पैदल आने लग गए।
तो जब पैदल पैदल आते हैं तो डाना गोलू का मंदिर भी पड़ता है रास्ते में, तो इनने गोल देवता के यहाँ पर हाथ और ये सारी चीजें जोड़ी और अपना आगे। तो उसके बाद क्या हो गया, रास्ते में अंधेरा होना प्रारंभ हो गया। जब अंधेरा प्रारंभ हो गया, मनोज तो उत्तराखंड के हर चीज से वाकिफ था, हवा से, पानी से, वहां के मौसम से, वातावरण से, कि रात्रि में यहाँ का मौसम क्या हो जाता है और रात्रि में लोग बाहर क्यों नहीं निकलते, क्योंकि हमारे पहाड़ों में अधिकतर क्या होता है, रात्र में जब ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, अंधेरे होने के बाद बाघ का डर और शेर और जंगली जानवरों का डर रहता है अधिकतर। तो मनोज को एहसास हो चुका था कि यार रात्रि हो चुकी है और मेरे साथ एक लड़की भी है, अब कैसे जाएं और क्या करें। तो जो रेखा के और मनोज के बीच में दरअसल 1 फुट का अंतर होगा, और रेखा अपने पीछे पीछे चल रही थी, मनोज अपना आगे आगे चल रहा था और अपने तेज कदम रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कृपा कर रहे थे मनोज जी। तो उसके बाद क्या होता है, रेखा अपने मगन मोबाइल चलाते हुए चल रही थी, तो रेखा की कान से हवा इधर उधर चल रही थी और सन्नाटा हो रहा था, पूरा पहाड़ का है और पूरा सन्नाटा हो रहा था। तो रेखा के कान के सामने एक व्यक्ति आके जोर से खांसता है करके खांसता तो रेखा के पांव के नीचे की जमीन खिसक जाती है, सट इतनी जोर की वो डर जाती है, और डर के जब पीछे देखती है, पहले तो इसकी हिम्मत नहीं पड़ी पीछे देखने की, जब पीछे देखती है वो, तो पीछे देखने के बाद पूरा क्या होता है, घनघोर अंधेरा। तो भाग के जाती है और भाग के सीधा मनोज को पास जाके मनुष्य कहती है कि आपने किसी की खांसने की आवाज सुनी? मनोज ने कहा नहीं, तो मैंने तो नहीं सुनी। तो उन्होंने कहा कोई व्यक्ति मेरे पीछे खांस रहा था। तो मनोज समझ गया कि यहां पर कुछ ना कुछ चल हुआ है जरूर, और तो उन्हें तुरंत किसको याद करा, डाना गुरु देवता को याद करा। उन्हें हे गुरु देवता, डाना गुरु देवता, हे कल्विष्ट देवता, हम तुम्हारे शरण में हैं, और मैंने यहां तक भी सुना है कि यहां से इस रास्ते में कोई भी फंसता है तो तुम साक्षात उसकी मदद करने आते हो, तो आज हम यहाँ फंस गए हैं और आज आपकी शक्ति हमें देखनी है और आज आपने हमारा बेड़ा पार करना है। बस ये जो लड़की है मेरे साथ में, ये अनजान मुल्क की है और अनजान शहर की है, और अगर इसे कुछ होता है तो हमारे उत्तराखंड का नाम खराब ही होगा। तो बोला जाता है जैसे ही इन्होंने पुकार मारी, दोस्तों आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने भी ये बात सुनी है और जिनने मुझे ये बोली है अब उनके लिए बात सत्य हुई है, उन पर बीती है, तो दोस्तों ये सत्य की तरह कहानी पर सत्य पर कहानी है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तो जैसे ही बोला जाता है इनने जब कल्विष्ट देवता को पुकार मारी, तो उसके 3-5 मिनट बाद एक व्यक्ति क्या होता है, स्कूटर लेकर आता है और इनके सामने गाड़ी खड़ी कर देता है, अपना स्कूटर खड़ा कर देता है। वो कहता है यार तुम लोग रात में अंधेरे में कहाँ जा रहे हो, आओ मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अल्मोड़ा तक। तो उन्होंने कहा यार धन्यवाद दादी। उन्होंने कहा मैं तो तुम्हें कब से देख रहा था, तुमने तो मेरे को बोला ही नहीं। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा हाँ, मैंने तुमको वहां से देख लिया था, तुमने मेरे को नहीं देखा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है दादी, आप हमें छोड़ दो। तो उन्होंने इनको छोड़ दिया। जैसी ये अल्मोड़ा आए और उसके बाद इनने क्या करा, अपनी जैसी ये अल्मोड़ा आए, अल्मोड़ा आने के बाद इनने स्कूटर घुमाया और इनने बोला मुझे कि मैंने जब पलट के देखा तो वो स्कूटर गायब था और वो आदमी भी गायब। बोलो कल्विष्ट देवता की जय। ऐसा न्याय कल्विष्ट देवता करते हैं, मदद हर हमेशा करते हैं कल्विष्ट देवता। उसने अपने रात बिताई और उसके बाद ये दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने के बाद जो लड़की थी वो अपना कार्य पर लग गई। उसके बाद 20 दिन के बाद जो इनका पति था शराबी, वो जब देखता है कि यार मेरी पत्नी पैसा कमा रही है और मुझे नहीं दे रही है और सब कुछ मेरा नाम चल रहा है और ये कहीं ना कहीं मुझे ये करना चाहिए, तो उसके पति ने क्या करा, अपने ससुराल जाके इनके मम्मी पापा उनको गाली गलौज और इनके जो गेट था वहां पर लात मारी। लात मारने के बाद अपनी पत्नी को धमकी दे दी, अगर मेरे को शाम तक तूने पैसे नहीं भेजे तो मैं तुझे कल का सूरज तू नहीं देख पाएगी और मैं जान से मार दूंगा तेरे मम्मी पापा उनको सबको मार दूंगा और मेरे पे मैं देख लूंगा इन सबको। इस टाइप से इनने धमकी दे दी। अब जो रेखा थी, रेखा रोने लग गई और रोने के बाद उसने मनोज को फोन करा।
मनोज को मारने के लिए आ रहा मेरा पति, और ये है अब क्या नाम कहते हैं, मैं क्या करूं ऐसे में, तुमने तो बोला था कि यार वहां से इंसाफ हो जाएगा। मनोज ने कहा आप मेरे से क्या बोल लो, वो तो आपने जहां धात लगा रखी है, जहां पुकार मार रखी है, आप उनको बोलो ना, आप सीधा उनसे बात करो, आप वहां मंदिर में होकर आगे हो, आप उनको ध्यान करो, उनको याद करो। तब जाके रेखा ने, मनोज ने जब इतनी कड़वी बात कही तो रेखा के आंख से अश्रु की धारा बहने लग गई, रोने लग गई उसकी आंख से। उन्होंने कहा आज मतलब मैं इस परिस्थिति पर आ गई हूं, मैं आज गोल देवता के वहां पर मैंने अर्जी लगाने गई तो वो भी मेरी पुकार सुनने नहीं आए, मतलब मैं कितने गहरे पानी में, मेरी कोई देवता सुनने नहीं आ रहा है, आज मेरा कल का सूरज मेरा आखिरी मेरा दिन होगा और मैंने कल मर जाना है। उसने ये ठान लिया और ने गोलू देवता से बोला, हे गोलू देवता, मैंने तुम्हें अपना भाई माना है और मैंने दिल से तुम्हें पुकारा है और मैं दिल से तुम्हारे मंदिर में आई थी और मंदिर में आने के बाद तुमने मेरा एक फैसला नहीं सुना और तुमने मेरी एक पुकार नहीं सुनी, मैं आज विवश हूँ और मैं आज तुम्हारे मंदिर तक आने के लिए दोबारा सक्षम भी नहीं हूं। अगर तुम होगे उत्तराखंड के देवभूमि के इंसाफ करने वाले राजा तो मेरी पुकार सुन लेना और यहां पर आके मेरा फैसला कर देना, तब तो मैं बोलूंगी तुम उत्तराखंड के देवता हो, और अगर तुम फैसला नहीं करके जाओगे तो मैं आज के बाद लोगों में ये कहूंगी कि तुम देवता हो ही नहीं। आवाज बन गए जिन पड़ गए थे पूजा हरो बोलिया मामू झाजला रे चमड़ा था ना माजा मले जानो चमड़ा था ना माजा सुबह रे चमड़ा था ना माजा सुबह रे चमड़ा था ना माजा। इतनी जो बात गोल देवता के कानू में जब लगती है वहां पर, ये आवाज तेरा कानून है, ये तेरा गदी मजरदा बोली नी सोनी कमर का बाका नो हर जानी फूल सन्ना रहा को मज कर रतनी आली आ क्यों मजर लरे सोना शरी बोला। उसके बाद तुरंत गोलू देवता अपना घोड़ा पकड़ते हैं और पगड़ी पहनते हैं और हाथ में तलवार पकड़ते हैं और कहाँ लग जाते हैं रास्ता, सीधा दिल्ली को रास्ता लगाते हैं। पुतलिया पाग पहरी सिली सलवार पहरी दो धारी तलवार जो पकड़ी कमर में कतार जो धरिया लो अपनी घोड़ी कहिए रजा तुम्हारा सजाना लगा। और जैसी दिल्ली आते हैं दोस्तों, बोला जाता है उस दिन शाम आधी हुई नहीं थी और वो पति नियम अनुसार डेली अपने शाम के, इनका घर दरअसल रास्ते में एक दूसरे के विपरीत में था, वो इनके घर में आया और आकाश मात्र पता नहीं कहाँ से एक गाड़ी आती है और इनके पति को ठोक के चले आती है, धड़ाक से ठोकती है और इनके पति की टांग डैमेज हो जाती है और इनके पति को फिर हॉस्पिटल ले आया जाता है। हॉस्पिटल ले आने के बाद इनका इलाज वगैरह सब कुछ करते हैं तो इनके पति को रियलाइज हो गया, इन्होंने कहा मैंने अपनी पत्नी पर बहुत जुर्म और ये सहे हैं, तो इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आप मेरे पास आओ और मैं आपको विधिवत जो नियम से तलाक होता है मैं आपको तलाक दूंगा। तो उसके बाद इनका तलाक भी हो गया है। अब जो पत्नी है उनने मनोज से कहा कि मैंने वहाँ जो पुकार कर रखी है चिते में वो मैं देने जाऊँगी और आप भी मेरे साथ चलना और विद फैमिली के साथ मैं वहाँ जाऊँगी और वो जो मैंने मंदिर में चलाने को बोल रखा है वो राज है, जब मैं चढ़ा दूंगी तभी मैं अपनी कॉल पुकार करूंगी। बोलो बाला गोरिया की जय, बोलो चमन खान गोलू देवता की जय, बोलो चितई गोलू देवता की जय, बोलो मीनार खान गोलू देवता की जय। दोस्तों ऐसी उत्तराखंड की देव कहानियां हैं और यद्यपि आपको अपने इष्टों की कहानी सुनना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल के साथ आ सकते हैं।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों कैसु कैसु को करा है आपने, तो दोस्तों मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और यदि आप लोगों के पास कोई ऐसी सच्ची कहानी और रियल स्टोरियां हैं आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं, आप करिए दोस्तों, मैं जरूर आपकी कहानी में बरकत करूं।